सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। योग व स्वास्थ्य स्वामी न्यूज की इस पहल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि अधिक वजन वाले जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो चुका है कई कारणों से, परिश्रम के अभाव में अथवा कफ रोग की, कफ दोष की अधिकता के कारण से, पित्त दोष के असंतुलन के कारण से, हमारे सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। खूब सारे दर्शक हमारे लाइव इसमें बने हुए हैं। स्वामी न्यूज़ की इस पहल योग व स्वास्थ्य में प्रत्येक दिन 6:30 बजे के इस लाइव सत्र में आप सभी प्रत्येक दिन की भांति उपस्थित होते हैं। तो 450 बार कुछ क्रियाएं की जाए तो हमारा एक्स्ट्रा जितना भी फैट है वो सारा मेल्ट होकर के शरीर शेप में आने लगता है। तो कैसे की जाए? कमर में दर्द वालों को आगे नहीं झुकना, ये ध्यान रखने की बातें हैं, और हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना, बाकी सारी चीज़ें सारे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सत्र को। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। स्टार्ट, प्रथम अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास शुरू करेंगे खड़े होकर के करने वाले अभ्यास। जो लोग कमर के दर्द से परेशान हैं वे लोग आगे नहीं झुकें। अब हम 150 क्रियाएं, 150 बार, मतलब क्रियाएं तो 5-7 होंगी, 150 बार हम करेंगे खड़े होकर के, ठीक है? तो खड़े होकर के करने वाली चीज़ें। सुप्रभात जी, खुशी चौहान, खुशी जी चौहान, आप और भी दर्शक हमारे लाइव जुड़े हुए हैं, सबको सादर नमस्ते, सुप्रभात। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सत्र को। सबसे पहले उत्तान हस्तासन या हस्तोत्तान आसन, उसके साथ में पाद हस्तासन, ये पूरा सेट है, पूरा एक जोड़ा है। इस जोड़े को कर रहे हैं, कई बार करेंगे, श्वास पूरा भर के। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। श्वास भर के पीछे ऊपर और श्वास बाहर छोड़ के आगे नीचे। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अगला अध्याय 41, श्वास बाहर, साइड में झुक रहे हैं, श्वास को बाहर और वापस आए तो श्वास भर रहे। चलिए करेंगे 41वां अभ्यास, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, पूरा झुकाए, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
और ठोड़ी को लगाएं घुटने से और हाथ को लगाएं पैर से। 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ये 80 अभ्यास तीन से चार क्रियाओं के हुए। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100, 102, 103, 104, 5 प्रैक्टिस चेंज, 6, 7, श्वास पूरा बाहर पीछे जाए, 8, श्वास भर के वापस, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लंबे लंबे श्वास, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक हो गई। अब अगला अभ्यास 31, 32, 33, लंबे श्वास, 150 चीजें हमारी अभ्यास हो गए इन 4-5 चीजों में। डेली सूर्य नमस्कार व प्राणायाम 6:30 बजे से ही, कल से 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आगे पीछे हो जाता है कभी, तो सरोज जी वर्मा नमस्ते। तो सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन करना चाहिए और 6:30 बजे से ही कार्यक्रम प्रारंभ होगा। योग दिवस का कार्यक्रम जो हमारा होगा वो कई सत्रों में होगा, खूब लंबा भी चलेगा और काफ़ी स्थानों पर होगा, तो सबका लाइव आपके यहाँ करेंगे। चलिए तो ये हो गए हमारे 150 क्रिया। अब चलते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। श्वास पूरा भर के, 2, 3, 4 श्वास भरें, 5 श्वास बाहर, 6 श्वास बाहर, 7 श्वास भरें, 8 श्वास बाहर, 9 श्वास भरें, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 2, 1, रिलैक्स। आज दूसरी क्रियाओं पर ज़्यादा जोर देंगे तो इसीलिए आज जो है दूसरी क्रियाओं को ज़्यादा जोर देंगे, इसीलिए 3 बार ही सूर्य नमस्कार करवाए। लाल बहादुर सिंह जी, गौतम जी, खुशी जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस लाइव सत्र में। अब हम बैठे बैठे 150 क्रियाएं करेंगे, अभ्यास करेंगे, 150 क्रियाएं वही 5 से 7 रहेंगी। चलिए सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाए, श्वासों को लंबा लंबा करके फिर से एनर्जी गेन करें, अपनी ऊर्जा को फिर जुटा दें। 450 क्रियाएं ये तो समझो आप कि गर्मियां हैं इसलिए कम करवा रहे हैं,
वरना सर्दियों में हम एक एक जैसे खड़े होने वाली क्रिया आज 150 की तो वो 400 से 500 बार करवाते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक हो जाती हैं। मतलब आधे घंटे में तो सर्दी में व्यक्ति को पसीना चूने लगता है जोरदार। अब चलते हैं नेक्स्ट बैठे बैठे वाले अभ्यास करने के लिए। तो बैठे बैठे वाले अभ्यास जितने भी हैं वे सारे सबसे पहले खुलते हैं, हमारे शुरू होते हैं पैरों को खोलने से। स्टार्ट, श्वास बाहर, एक पैर को छुएं दाएं हाथ को दाएं पैर से, दाएं पैर को दाएं हाथ से, और पीछे वाले हाथ की तरफ देखा जाए, वापस आ जाए, श्वास भरें, फिर श्वास बाहर चलेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20 श्वास बाहर अटच करें, श्वास भरें पीछे देखें, और नहीं श्वास बाहर इस तरह से टच करें और पीछे देखें, फिर वह श्वास भरते वापस आ जाए, ऐसे ही श्वास बाहर फिर दूसरी तरफ, 22, 23, 24, 25 ऐसे 25 बार इसको क्रॉस करें, दाएं को बाएं से, बाएं को दाएं से, पूरा श्वास बाहर और दूसरी तरफ ऐसे पीछे देखें, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ये 50 चीज़ें, 50 बार। अब चलेंगे चक्की चालन के अभ्यास को करते हैं। चक्की चालन, पैरों को पहले थोड़ा फासला, मध्यम फासला दे देंगे, चलेंगे श्वास पूरा बाहर, ये भी कमर दर्द जिनको है वो आगे झुकने वाले ना करें, ये भी ध्यान रखें, जिनसे नहीं हो पा रहा, कम हो पा रहा है तो पैरों में भी कम फासला रखें, ज़्यादा फासला ना रखें, श्वास बाहर आगे जा रहे हैं, श्वास भरें पीछे जा रहे हैं, तरेपन, 54, 55, 56, 57 गर्मी बहुत अच्छी है वजन कम करने के लिए, 58 तो थोड़ी थोड़ी मेहनत सुबह कर लिया करो, लेट नहीं जल्दी, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 ऐसे 20 बार दूसरी तरफ से चला लेंगे, श्वास बाहर और आगे जा रहे हैं, श्वास भरते हुए ऐसे पीछे जा रहे हैं, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81 पूरा श्वास बाहर, 82 पैरों के फासले के साथ भी कर सकते हैं, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 90 रिलैक्स, 90 अभ्यास हो गए। अब हम नौका चालन का अभ्यास करेंगे, श्वास बाहर 1, श्वास भरते पीछे, फिर श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 100 हो गए ना, अब 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110 विपरीत दिशा में, 111, 112,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये विपरीत दिशा से भी, ये नौका चालन विपरीत दिशा से और भी चला सकते हैं। 1, 2, 3 यानी 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 20 अभ्यास और हैं, थोड़ा सा पैरों में फांसला। 131 से लेकर 150 तक चलेंगे, पसीना आ जाए तो पहुंच लेंगे, पसीना आएगा निश्चित रूप से आएगा, गर्मी का समय इनको करने से तो सर्दी में भी पसीना आ जाता है। श्वास बाहर थोड़ी लगाएं जमीन से, श्वास भरते वापस, श्वास बाहर थोड़ी लगाएं जमीन से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसमें पैर मिला के भी कर सकते हैं, पैर में फासला भी कर सकते हैं। 25, 26, 157, 158, 159, 160, ये 160 बार हमने कर लिया। 150 बार हमने विचार किया था करेंगे, तो 160 बार कर लिया, 150 बार खड़े होकर और 150 बार ही लगभग बैठ करके, तो ये 300 क्रियाएं हो गई। 450 जो है अभ्यास हमें आज करने हैं, तो लेटे लेटे कौन कौन से अभ्यास करने हैं वो हम अभी देख रहे हैं। लेटे लेटे अभ्यास, इससे पहले रिलैक्स हो जाएं, विश्राम करें, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो कर के जब तक वापस एनर्जी को आप इकट्ठा करें तब तक आप बैठे बैठे शरीर ढीला छोड़ करके रिलैक्स हो सकते हैं। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए, और विश्राम ऐसे। अब लेटे लेटे कुछ अभ्यासों को नियमित रूप से आप कर सकते हैं, जिनको वजन घटाना है वे सारे लोग। तो वजन घटाने के लिए पेट के बल, पीठ के बल अलग अलग अभ्यास होते हैं, उन सब को रोज़ कर सकते हैं, रोज़ करना चाहिए। इससे कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है, पेट अंदर हो जाता है, वक्षस्थल मजबूत और बाहर की ओर अच्छा आकर्षक दिखने लगता है पुरुषों का भी। और इसके अलावा जिसको हम कहते हैं शेप में आने लगती है बॉडी, सब जगह ऐसे शेप में, हमारी थाइस, हमारी जंघा, हमारे बटक्स, हमारी कमर, हमारी वक्षस्थल, हमारे कंधे, हमारी गर्दन, हमारे पैरों की मांसपेशियां, ये सब अच्छी होकर के शरीर रिलैक्स हो जाता है, उसके अलावा शेप में आ जाता है। तो ये हमने अभी कुछ क्रियाएं की हैं खड़े होकर और बैठ कर। अब हम चलते हैं लेट करके करने वाली 150 क्रियाओं की तरफ। क्रियाएं 5-7 ही हैं, हम उनका अभ्यास 150 बार करेंगे। पेट के बल आ जाएं, पहला अभ्यास करेंगे हम भुजंगासन का। श्वास पूरा भर के उठाएं आगे से हाथों पर पूरा जोर, जैसे हाथों से जमीन को धक्का दे रहे हैं ऐसा। ये आपको भुजंग आसन बताया, इसी में 20, 25, 30 क्रिया ऐसे इसमें कर लेंगे। चलिए स्टार्ट, श्वास भर के पाँच, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के वापस, 16, 17। चलें सेकेंड में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
23। चालीस मकरासन में विश्राम करे, पैरों में फांसला, एड़िया अंदर, पंजे बाहर। ये 40 अभ्यास हो गए, 40 प्रैक्टिस। थोड़ा विश्राम कर, आराम कर। शलभासन में आ जाएंगे 41 में, 41 प्रैक्टिस से लेकर। दोनों हाथों को ऐसे 41, 42, 43, 44, कैसे श्वास भर के ऊपर ले जा रहे हैं और श्वास पूरा बाहर, तो पैर नीचे लेके आ रहे हैं। चलेंगे 45, 46, रोकेंगे नहीं, ले जाएंगे वापस, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाएं। 47, 48, 50, तो 50 अभ्यास, फिर 10 अभ्यास दोनों पैरों को ऊपर एक साथ। छास 57, 58, 59, 60 विश्राम, फिर से मकरासन में थोड़ा सा विश्राम, ज़्यादा नहीं करना। फिर चलेंगे तिर्यक भुजंग आसन। चौंसठ, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। विश्राम बालासन में, आराम कर। गर्मी का मौसम है इसीलिए आपको कंटिन्यू नहीं करा के बीच बीच में आराम करा रहे, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है कुछ लोगों को। पानी की कमी इतनी हो जाती है, पसीना बहुत बहता है सारी क्रियाओं में, इसीलिए यहाँ तो 6 बजे से पहले ही सारी क्रियाएं कर लेंगे, या बाद में कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करें। बीच में कभी पानी मत पी लेना आप, बिल्कुल पानी पीना वर्जित है बीच में। बहुत ज़्यादा नाक की जड़ सूख गई हो तो कभी एक आधा घूंट पी सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा आराम करके हल्का सा, जैसे 5-7 मिनट आराम किया उसके बाद पी सकते हैं। ऐसे तुरंत चलते व्यायाम में कभी पानी नहीं पीना चाहिए, ये बड़ी हानिकारक चीज़ है यदि ऐसा कर लेंगे हम तो। ये हमारे साथ में लाइव योग दर्शक, लाइव दर्शक जो है इस योग के कार्यक्रम में जुड़े हुए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को प्रत्येक दिन आप इसी प्रकार से देखते हैं और इसमें भाग लेते हैं। योग दिवस हमारा बहुत जल्दी आने वाला है, 21 तारीख, आज 18 तारीख हो गई। 18 तारीख, 19 और 20 दो दिन, और परसों 21 है, तो 3 दिन का हमारा इसी कार्यक्रम में विशेष सत्र रहेगा। आज से हमने शुरू कर दिया, 4 दिन का हो गया। 450 क्रियाओं से अपने शरीर के वेट को हम मेंटेन करें, टेस्ट करें, तो आज से हमने प्रारंभ कर दिया। तो 4 दिन का स्पेशल कैंप, 4th दिन तो हमारे, तो 3 दिन का कैंप हो गया। 4th दिन प्रोटोकॉल कराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग करते हैं। चलिए अब 81वीं क्रिया करेंगे। 80 अभ्यास हमने कर लिए, 81वां अभ्यास करें। एक पाद अर्धालासन, 83-84, श्वास भर के ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ के वापस नीचे। सत्तानवे, 98, 99, 100, ये 100 अभ्यास हो। अब हम 101वें अभ्यास की तरफ चल रहे हैं। श्वास बाहर,
श्वास भरे वापस, 103, 104, 120 अभ्यास हमारे पूर्ण हुए और 120 अभ्यासों के बाद चलते हैं अगला अभ्यास। पूरा पूरा उठाएंगे नौकासन के व्यायाम को करने के लिए। 121 अभ्यास से चल रहे हैं। ये 130 अभ्यास हो गए। अब 10-10 और प्रैक्टिसेस है, 10 बार इधर 10 बार उधर, एक पाद वृत्तासन में घुमा लेंगे, 1, 2, 3 ऐसे चलते रहे। दस बार इधर चलाएंगे तो होगा, 5-5 बार भी इसको कर सकते हैं, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही बड़ा बड़ा शून्य। ये देखो अब 450 से भी ज़्यादा क्रियाएं हो जाएंगी, ज़्यादा अभ्यास हो जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। विपरीत दिशा से बिना घुटना मोड़े चलाने की कोशिश करें, हल्का सा मोड़ेगा लेकिन कोशिश करें कि बिना घुटना मोड़े, ये अभ्यास हो जाएगा। 150 तो हमारे पूरे हो गए कब के, अब ये 150 के ऊपर चल रहे हैं। 100 श्वास लंबे लंबे गहरे गए, ऐसे ही विपरीत दिशा से, 100 शरीर ढीला छोड़ देंगे, विश्राम, कहीं से कोई खिंचाव तनाव नहीं, लंबे लंबे श्वास, विश्राम करें। गौतम जी, युवराज जी, सरोज जी, हमारे लाल बहादुर सिंह जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन। सरोज जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं इस पूरे कार्यक्रम में। हम 450 क्रियाएं, 450 अभ्यास, 15-20 क्रियाओं के रूप में हम आपको बता रहे हैं। वो सारी रोज करने पर एक्स्ट्रा जितना भी आपके अंदर फैट है, अधिक बढ़ा हुआ वजन है, जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है, इन सब को लाभ होने वाला है। करने में लगते 15-20 मिनट मात्र, ज़्यादा धीरे धीरे आपने किया तो आधे घंटे में सब हो जाए। थोड़ा विश्राम कर रहे हैं हम, क्योंकि आप सबको भी इतने कठिन व्यायाम के बाद थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहिए। हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन, तो थकान पूरी तरह से हमारी ख़त्म हो जाएगी अगर शव आसन हमने कर लिया। 3 दिन विशेष सत्र, आज से 18, 19, 20 तीनों दिन विशेष सत्र हमारा है, और 21 तारीख को हम विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्पेशल कार्यक्रम चलाएंगे इसी 21 जून पर, और वो कार्यक्रम कुछ लंबा होगा, कुछ विशेष होगा, निश्चित रूप से वह कार्यक्रम सबके लिए लाभकारी होगा। और फिर इतना करने के बाद अब उठ कर के बैठ जाएं। प्राणायाम को करने के लिए हम अपने आसन में स्थिरता से बैठ जाएंगे, आसन में बैठ जाएं, और आसन में जब बैठते हैं तो अपनी स्थिति को, मानसिक स्तर को, मानसिक स्थिति को बिल्कुल ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारी सबकी थकान दूर हो गई। थकान दूर होने के बाद व्यक्ति प्राणायाम करें, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें, जैसे हमने शव आसन में एनर्जी को इकट्ठा किया था ऐसे ही इसमें। तो भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम आदि आदि अभ्यासों को करते हुए रोज के इस सत्र को पूरा करें। भस्त्रिका,
ऐसे बहुत, कोई तेज करना चाह सक कर सकता है तो वो तेज करे, और कोई धीरे कर सकता है धीरे करे, अपने शरीर की स्थिति के अनुसार करें। आप बड़ी उम्र में पहुंच गए तो आपको धीरे धीरे करना चाहिए, स्लोली स्लोली करना चाहिए। फिर कपाल भाति, हर बार श्वास को बाहर फेंक रहे हैं और श्वास बाहर नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंक रहे हैं, वेग पूर्वक फेंक रहे हैं। जैसे वमन का वेग होता है उसी प्रकार से श्वास का वेग नासिका से बाहर फेंकते हुए अनुभव हो। हर बार श्वास बाहर फेंकते हुए ये वायु बाहर निकलेगा और पेट को हाथ लगाएंगे तो पेट भी हर बार अंदर जाता हुआ महसूस होगा। कपाल भाति की लिमिटेशंस आपको कई बार बता चुके हैं, किनको करना है किनको नहीं करना है। जिनके पेट की बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनकी ठीक हो जाती हैं, लेकिन पेट में जलोदर नाम का रोग हो, यानी कि पेट में पानी भर जाने की समस्या हो जाती है, पेट बड़ा हो जाता है, उनको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कमर में दर्द है तो उनको नहीं करना चाहिए। जिनका कपाल भाती करते पेट फूल सा जाता है उनको नहीं करना चाहिए, एक दो दिनों में पता लग जाएगा। गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, मासिक धर्म के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पेट का ऑपरेशन आदि कभी हुआ है, कोई सर्जरी आदि हुई है और 6-7 महीने साल भर नहीं हुआ है तब तक नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वालों को इसका अभ्यास तेज नहीं करना चाहिए, हाइपरटेंशन वालों धीरे धीरे स्लोली स्लोली करना चाहिए। ये लिमिटेशंस हैं, ये सावधानियों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। 5-10 मिनट प्रत्येक दिन कपाल भाती को। इसमें षटकर्मों की बात की गई, धौतिर्वस्तिस्तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि समाचरेत। धोती करें तो बाद में कपाल भाती जरूर करें, वस्ती करें तो कपाल भाती जरूर करें, नेति करें तो कपाल भाती करना ही करना है, और धोती वस्ती तथा नेति त्राटक त्राटक करें तो कपाल भाती किया करें, नौलिकम नौली करें तो फिर कपाल भाती करें, और फिर कपाल भाती अकेला तो अपने आप से डिटॉक्स करता है, बॉडी को शरीर को शुद्ध बनाता है, फेफड़ों को शुद्ध बनाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा बनाता है, भूख लगाता है। जिसको ज़्यादा लग रही है उसकी बैलेंस्ड हो जाएगी, जिसको भूख लगी नहीं रही उसको लगने लग जाएगी, और फिर अनुलोम विलोम किया करें। वैसे तो 12-15 प्राणायामों का पूरा सेट बता रखा है, लेकिन आवश्यक रूप से रोज़ करने योग्य जो प्राणायाम सबसे ज़्यादा, अगर आपका समय नहीं भी है तो भी ये भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम ये जरूर किया करें। राइट को बंद करके लेफ्ट वाले से श्वास बाहर, फिर इसी से भरें। दूसरे से बाहर, फिर भरें, फिर पहले से बाहर। गहरे लंबे श्वास के साथ करते रहे, प्रभुति राउम नाम सबका सहारा है, प्रभुति राउम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभुति रा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। गहरे लंबे श्वास के साथ करते रहे। और स्लोली स्लोली करेंगे तो और अधिक लाभकारी होगा।
ऋषियों मुनियों ने ध्याया। प्राणायाम के बाद भजन किया करें। प्रभु तेरा ध्यान लगाया, ऋषियों मुनियों ने ध्याया, प्रभु तेरा ध्यान लगाया, सबका तू पालनहारा, प्रीतम प्रभु प्यारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। और कई भजन हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, करते तो प्रभु जी तुम हो, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इतने अभ्यास और फिर तीन प्राणायाम कम से कम, प्राण क्रियाएं और उसके बाद भजन, फिर एक्यूप्रेशर, फिर हास्यासन, ऐसा अभ्यास रोज हो जाए, श्वास पूरा भर के ओ और तेज श्वास पूरा भर के फिर से श्वास भर के तो इतना अभ्यास प्रत्येक दिन हो जाए, हास्यासन से शरीर की समस्त कोशिकाएं सब खुल करके उनका व्यायाम होता है और व्यक्ति के रोग धीरे धीरे शरीर से भाग जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और तनाव भाग जाता है, स्ट्रेस भाग जाता है, डिप्रेशन भाग जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। आज के कार्यक्रम में शांति पाठ के साथ समापन कर रहे हैं। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। आज के कार्यक्रम में हमने 150 अभ्यास, आज के इस पूरे सत्र में हमने अभ्यास जितने किए वो 450 तो ऐसे थे, 150 खड़े होकर, 150 बैठकर, 150 यानी 150 लेटकर और सूर्य नमस्कार का हमने अभ्यास किया। उसके अलावा भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भजन, एक्यूप्रेशर और हास्यासन के साथ में आज के सत्र को हमने देखा, पूरा किया है। आप सभी जितने भी दर्शक हैं, इन सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आज के 3 दिनों के इन शिविरों को, 18, 19, 20, इन 3 दिनों के शिविर में पहला दिन हमारा पूरा, 2 दिन बाकी हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो त्यौहार भी योग के साथ होगा। इस तरह से ऐसे कार्यक्रम को हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं और सभी दर्शकों का और सभी जितने भी हमारे स्वामी चैनल के परिवार का, इस सब का हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद, कृतज्ञता के साथ में इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे, बल्कि 6:30 बजे बजने में भी 5 मिनट पहले ही हम आने का प्रयास करेंगे तो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा लगभग 6:30 बजे ही। तो सबको सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।